नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका मेरा गांव मेरा देश के उत्तराखंड के स्पेशल एडिशन में। आज हम कुछ तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं, वो तस्वीरें जो जज्बा तो युवाओं में भर रही है लेकिन उन नेताओं की पोल खोल रही है जो नेता ये बोलते हैं कि हमने उत्तराखंड का विकास किया है, हम उत्तराखंड को विकास की राह पर आगे बढ़ा रहे हैं। ये तस्वीरें पहले देखिए और इन्हें देखकर आप खुद ही बोल उठेंगे कि वाह क्या तस्वीरें हैं। मोटरसाइकिल कंधों पर रखकर 5 किलोमीटर तक चढ़ाई पार करते हुए युवा, यूं ही नहीं, ऐसा नहीं था कि इस मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं था जिस वजह से चल नहीं पाई, ऐसा इसलिए इन्होंने किया क्योंकि ये दिखाना चाहते थे कि यहाँ की सड़कें जो हैं वो मोटरसाइकिल चलाने के लायक नहीं हैं, यहाँ की सड़कें पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं। ये संकरे रास्ते ये बताते हैं कि यहाँ पर रोजाना आवागमन में आम लोगों को कितनी दिक्कतें होती होंगी, आप अंदाजा लगाइए। हम और हमारे जैसे तमाम लोग जो कि अच्छे खासे शहरों में रहते हैं, महानगरों में रहते हैं, जहाँ पर सड़कें दुरुस्त हैं, पानी की समस्या बहुत कम होती है, बिजली की समस्या बहुत कम होती है, लेकिन इन लोगों को देखिए, इनमें से कुछ लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और अपनी जुबान से बताएंगे कि किस तरह से ये लोग रोजाना ऐसे ही सड़क पार करते हैं, ऐसे ही अव्यवस्थाओं के आगे घुटने टेकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की है, उनका क्या कुछ कहना है जरा वो भी आपको सुनवाते हैं। जो कल 16 तारीख को ईरानी के लड़कों द्वारा, 6 लड़कों द्वारा जो बाइक ईरानी गांव में पहुंचाया गया है, इसलिए पूछा गया है कि जो हमारी सड़क थी, हमारे ग्रामीणों ने बहुत बार इस सड़क के बारे में लगातार हर जुबान पर यही शब्द है कि हमारी सड़क कब बन रही है, कैसे कब तक बनेगी, सरकार ने ना देखी की है, इसलिए सड़क लड़कों ने मन बना लिया है कि हम कंधों के माध्यम से कि सड़क बाइक को गांव तक पहुँचाएंगे और गाँव में जब तक सड़क नहीं आती है तब तक हम बाइक गाड़ी सीखेंगे किसी खेत में या किसी चौक में, ऐसे लड़कों ने मन बना लिया है। क्योंकि लड़कों का एक ही मकसद है कि हम इस सड़क से कब जुड़ेंगे, जब से हमारे स्वास्थ्य शिक्षा तब से कि हमारे जुड़ेगा, लेकिन सरकार इसमें बहुत भी कदम नहीं उठा पा रही है। तो इस युवा को आपने सुना है, इसका कहना है कि ऐसे और भी युवा हैं जो ये कहते हैं कि हम इसी तरह से मोटरसाइकिल को कंधे पर रखकर 5 किलोमीटर तक चढ़ाई पार करेंगे, और अगर ऐसा नहीं होता, अगर वो हिम्मत हार जाते हैं तो फिर किसी भी खेत में अपने वाहनों को खड़ा कर देंगे, कुछ भी हो सकता है, जो वाहन है वो चोरी हो सकते हैं, वाहन जो है वो टूट सकते हैं, फूट सकते हैं, जंगली जानवर उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन शायद सरकार की जो आँखें हैं वो फिर भी नहीं खुल रही है। जब तक हिम्मत है, जज्बा है, तब तक तो युवा ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आखिर कब तक करेंगे? क्योंकि सड़क का काम होना कोई 1 या 2 घंटे की बात नहीं है, महीनों लग जाते हैं, कई बार तो ऐसा होता है कि सालों लग जाते हैं, और यहाँ देख लीजिए, यहाँ तो कई साल लग चुके हैं, 10 साल कांग्रेस ने यहाँ पर बिता दिए, 10 साल यहाँ पर बीजेपी ने बिताए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। कुछ गांव आज भी ऐसे हैं जिनका संपर्क अभी भी मुख्य शहरों से नहीं है, उन्हें शहरों तक जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ पैदल ही जाना पड़ता है, ना उनके पास जाने के लिए कोई साधन है, ना उनके पास सुविधा पहुंच पाई है। दावे और वादे बहुत किए जाते हैं कि हम पहाड़ों पर भी जो रोड है, जो सड़कें हैं वो पहुंचा रहे हैं, बिजली पहुंचा रहे हैं, पानी की व्यवस्था, हर घर नल जैसी व्यवस्था पहुंचा रहे हैं, लेकिन पाइपलाइन बिछ गई है, क्या उनमें पानी आ रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ऐसे में तमाम ग्रामीण भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनकी क्या सच्चाई है वहां की वो खुद ही बताएंगे और दिखाएंगे कि किस तरह की तस्वीरें हैं उनके गांव की। बद्रीनाथ विधानसभा में आती है जगह, जो अब तक जो सुविधाएं हैं, जो योजनाएं हैं, उनसे बहुत वंचित हैं। ये तस्वीरें लगातार देखिए और अंदाज़ा आप लगाइए कि ये वही उत्तराखंड है जो अभी अभी जवां हुआ है, जिसको अब तक विकसित हो जाना था, लेकिन विकास का एक भी पहलू जो है यहाँ नजर नहीं आता है। युवा, कोई भी हादसा इनके साथ हो सकता है, मोटरसाइकिल जिस तरह से इन्होंने कंधे पर उठाई है, कहीं भी ये गिर सकते हैं, क्योंकि रास्ता पत्थरों वाला है।
चमोली जिला, दशौली ब्लॉक, निजुमला घाटी और गांव पाना और ईरानी, जो सड़कों से, सुविधाओं से पूरी तरह से वंचित हैं। ग्रामीणों जनप्रतिनिधियों ने कई बार शासन प्रशासन से गांव को सड़क से जोड़ने की मांग की है, लेकिन आज तक गांव में सड़क नहीं पहुंच पाई है। विभाग और सरकार की उदासीनता से नाराज ईरानी गांव के युवाओं ने विरोध का नया तरीका निकालते हुए कंधे पर रखकर मोटरसाइकिल निकाली है। मोहन नेगी इस गांव के प्रधान हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं आज इस खास एडिशन में, और मेरे सहयोगी पुष्कर भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मोहन जी, आपका बहुत स्वागत है इस खास प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं बहुत ही दयनीय हैं। युवाओं में जब तक जज्बा है, हिम्मत है, तब तक वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन कितने दिन और? देखिए मैडम, किसी भी गांव के विकास के लिए सड़क बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होती है, और मेरा ये मानना है कि प्रत्येक सरकार को, प्रत्येक प्रतिनिधि को सड़क की सबसे पहले चिंता करनी चाहिए। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अपने समाचार चैनल के माध्यम से मेरे गांव की चिंता को व्यक्त किया। निश्चित तौर पर वो चिंता लगभग बहुत समय से बनी हुई है और उसको लगातार हम फेस कर रहे हैं। मैं बहुत वर्षों से देख रहा हूं कि हम लोग लगातार 6-7 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, और गांव से सड़क तक पहुंचना कितना कठिन होता है, और कठिन तब ज्यादा होता है जब कोई महिला बीमार होगी, कोई बुजुर्ग बीमार हो जाता है, और हम कंधे में रखकर उनको बार बार ले जाते हैं। और हमने बहुत बार प्रयास भी किया है कि जिला प्रशासन से, सरकारों से भी, कि जल्दी सड़क का निर्माण हो जाए, लेकिन दिक्कत यह है कि जो सरकारी तंत्र की जो कार्य प्रणाली है बहुत धीमी है, उसका प्रणाली के कारण बहुत जो काम समय पर होना चाहिए था वो काम हो नहीं पाता है, जिसका खमियाजा हमारे आम जनों को भुगतना पड़ता है। तो ये जो तस्वीरें सामने आई है मोहन जी, जिसमें युवा जो है मोटरसाइकिल को कंधे पर रखकर 5 किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं, ये नौबत क्यों आई? क्या सिर्फ सरकार का विरोध किया गया है या कोई मुसीबत थी? एक बार अपना प्रश्न आप रिपीट करेंगे मैडम? मोहन जी, ये जो तस्वीरें मैं देख पा रही हूँ, जो युवा हैं वो मोटरसाइकिल के कंधे पर रखकर जा रहे हैं, 5 किलोमीटर का सफर तय किया है, क्या सिर्फ ये सरकार का विरोध था या कोई मजबूरी थी, कोई साधन नहीं था, सच्चाई यही है? मोहन जी, मेरी आवाज पहुंच रही है क्या आप तक? चलिए ठीक है मोहन जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। पुष्कर मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। पुष्कर, अगर इस गांव की मैं बात करूं, पाना और ईरानी सड़कों से पूरी तरह से वंचित है, तो मुख्य मार्गों तक ये कैसे पहुंचते हैं, किस तरह की समस्याओं का इन्हें सामना करना पड़ता है? तो पुष्कर तक भी मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, और जल्द मैं रुक करूंगी पुष्कर का भी और मोहन नेगी जी का भी, ग्राम प्रधान है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, जानबूझकर युवाओं ने ऐसा किया क्योंकि उन्हें सरकार का विरोध करना था और दिखाना था कि अभी उनमें जज्बा कम नहीं है। आप भले ही विकास मत करवाइए, लेकिन हम लगातार आपको आईना दिखाते रहेंगे कि आप विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ ढांढस बंधाते हैं, सिर्फ और सिर्फ दावे करते हैं, वादे करते हैं। ग्राम प्रधान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। उन्होंने जैसा कि अभी कुछ देर पहले ही कहा कि, तो उन्होंने अभी कहा था कि वो लगातार कोशिश कर रहे हैं जनप्रतिनिधियों तक जाने की, और तमाम लोगों से शिकायत भी कर चुके हैं, अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई समस्या का निवारण करने के लिए तैयार नहीं है। निवारण तो बहुत दूर की बात है, इन तस्वीरों को देखकर किसी का मन भी नहीं पसीज रहा है। कुछ भी हो सकता है कभी भी, और सिर्फ सड़कों की बात नहीं है, ना तो यहाँ पर बिजली सही से आती है, ना पानी सही से पहुंच रहा है, दूर दराज के इलाके हैं, शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी आप इन तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं। तो साइकिल को, जो मोटरसाइकिल है उसको डंडों और रस्सी के सहारे गांव तक पहुंचाया। उनका कहना है कि सालों से सड़क का इंतजार करते करते वो लोग थक चुके हैं,
उन्होंने सरकार को आईना दिखाने के लिए बाइक को कंधे पर रखकर गांव तक पहुंचाया है। ग्रामीणों का कहना है कि साल 2009 में पाना ईरानी गांव के लिए 31.5 किलोमीटर सड़क मंजूर हुई थी। 31 किलोमीटर की सड़क मंजूर हुई 2009 में, इतने साल बीत गए लेकिन सड़कें यहां नहीं पहुंची है। कुछ जगह पर सड़क की कटिंग भी हुई है लेकिन सड़क आज भी आधी अधूरी पड़ी हुई है। कोई क्षेत्र का हाल चाल जानने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है। झिंझी गांव के समीप मोटर पुल का निर्माण होना है, उस पर भी अभी तक काम शुरू नहीं हो पाया है। बद्रीनाथ विधायक महेंद्र भट्ट ने पाना और इनानी गांव को सड़क से जोड़ना अपनी प्राथमिकता में गिनाया था, लेकिन वो भी शायद कहीं ना कहीं धूमिल हो गए हैं। बद्रीनाथ विधायक बताए जा रहे हैं, जो कहते हैं कि हम सबसे पहले जो गांव है इनको मुख्य मार्गों से जोड़ेंगे। महेंद्र भट्ट ये बताए जा रहे हैं, लेकिन शायद उनका कहना सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गया, जमीनी स्तर पर तो क्योंकि ऐसा दिखाई नहीं दिया है। प्राथमिकता थी लेकिन आज भी ग्रामीण निराश है, हताश है, आक्रोशित है, कई किलोमीटर तक पैदल चलने के लिए मजबूर है। और रोजाना ऐसा होता है, रोजाना इस तरह की तस्वीरें सामने आती है क्योंकि लगातार न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के जो रिपोर्टर्स हैं ग्राउंड जीरो पर रहते हैं, कि तस्वीर दिखाते रहते हैं कि भले ही दावे किए जा रहे हों, वादे किए जा रहे हों, लेकिन उसके बावजूद भी जो आंखें हैं वो विधायकों की नहीं खुलती है। तो ऐसे में आईना दिखाना बेहद जरूरी है, उन युवाओं ने यही किया है, लेकिन जान जोखिम में डालकर। इनके साथ कोई भी हादसा कभी भी हो सकता था। सीधी ऊंची सड़कें, पथरीली सड़कें ये, जो कि पूरी तरह से संकीर्ण थी, उसके बावजूद भी इन्होंने अपने जज्बे को कायम रखा और सरकार को जवाब दिया है। कहा जाता है कि 2009 में इन दोनों गांवों के लिए 31 किलोमीटर की सड़क मंजूर हुई थी, लेकिन 31 किलोमीटर तो बहुत दूर की बात है, 1 किलोमीटर तक सड़क का काम नहीं हो पाया है। जब इतने सालों में नहीं हुआ तो क्या जो वादे किए जा रहे हैं, जो दावे किए जा रहे हैं, वो सिर्फ इन 1 महीने में पूरे हो जाएंगे? और अगर हो जाएंगे तो क्या सिर्फ इसे चुनावी जुमला ना समझा जाए? बिल्कुल समझा जाए, क्योंकि जब इतने सालों में नहीं हुआ और अगर 1 महीने में करने की बात करते हैं तो फिर ये तो चुनावी स्टंट है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो बद्रीनाथ विधानसभा में दोनों गांव आते हैं, महेंद्र भट्ट यहां के विधायक हैं, उनका रिपोर्ट कार्ड ही समझ लीजिए तस्वीरें, कि क्या उनका रिपोर्ट कार्ड है, क्या काम कराया इन्होंने। कहते हैं कि उन्होंने बहुत काम कराया है, रिकॉर्ड स्तर पर काम कराया है। कितना काम कराया देखिए, युवा वहां के दिखा रहे हैं कि कितने किलोमीटर खाइयां हैं नीचे, कुछ भी हो सकता था कभी भी। बिजली की समस्या यहां पर लगातार बनी हुई है, शिक्षा बच्चों को नहीं मिल पा रही है, बहुत कोशिश की जा रही है कि बेहतर जो शिक्षा है वो मासूमों तक पहुंच सके, लेकिन जिस गांव में सड़कें नहीं पहुंच पा रही हैं वहां शिक्षा कैसे पहुंच सकती है? जैसे कि कल भी हमने एक मुद्दे को उठाया था इसी खास प्रोग्राम में, वहां पर जो ग्रामीण है उनका साफ तौर पर कहना था कि प्राइमरी स्कूल है लेकिन टीचर पढ़ाने के लिए एक भी नहीं है, हाई स्कूल में सिर्फ एक टीचर। कान सिंह राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं, ग्रामीण है, उनका रुख करेंगे। कान सिंह जी, सबसे पहले बहुत स्वागत करती हूँ आपका मैं। कान सिंह जी, आवाज आ रही है क्या मेरी? तो इन तक भी मेरी आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है, टेक्निकल इश्यू है जिसकी वजह से बार बार दिक्कत हो रही है, लेकिन हम तस्वीरों के जरिए भी बहुत कुछ आपको बता रहे हैं और बहुत कुछ आपको दिखा रहे हैं। क्या हाल है उत्तराखंड के गांव का वो देखिए, जिस उत्तराखंड में 2022 में अब से 1.5 महीने बाद चुनाव होने हैं। तो युवाओं का ही जज्बा है जो अब तक टूटा नहीं है, ये खास तस्वीरें। और ये जो तस्वीरें हमारे पास 2 दिन पहले आई थी, लेकिन हमने इन्हें दिखाया भी और हमने सोचा कि इस खास एडिशन में इसे उठाना चाहिए, क्योंकि ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, बहुत कुछ बयां करती हैं। देखने वाले के लिए काफ़ी है, जो समझदार है उसके लिए काफ़ी है कि ये तस्वीरें क्या बयां कर रही हैं, किस तरह से विरोध वो कर रहे हैं, ये भी काफ़ी है। लेकिन शायद कुछ जो यहाँ के विधायक हैं वो समझने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर तैयार होते तो शायद यहाँ आते, युवाओं से बातचीत करते और देखते कि क्या हाल है युवाओं का, किस तरह से ये परेशान हैं और किस तरह से आप लोगों का विरोध कर रहे हैं। मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। कान सिंह जी, क्या मेरी आवाज़ मिल रही है आपको?
जी मैम, जी मैम। कान सिंह जी, इन जो गांव है दोनों पाना और ईरानी, इनका हाल बताइए, क्योंकि कुछ तस्वीरें तो हम देख रहे हैं लेकिन सिर्फ ये एक ही तस्वीर है। आप बेहतर तरीके से जानते होंगे कि गांव का क्या हाल है। जी मैम, गांव का तो हाल बेहाल है, क्योंकि बहुत समस्या सड़क से, स्वास्थ्य से और शिक्षा से बहुत पिछड़ा है। इस क्षेत्र हमारा बहुत कठिन जीवन व्यतीत होता है इस क्षेत्र में, इस गांव पानी रहने, विशेषकर पानी रहने वालों को, क्योंकि चमोली जनपद का सबसे दूरस्थ गांव पानी रहने पड़ता है। और ना यहाँ स्वास्थ्य की सुविधा है, ना शिक्षा की सुविधा है, ना सड़क की सुविधा है, और विद्युत आपूर्ति भी बहुत कम रहता है। और लोग बहुत कठिन जीवन ठीक है। कान सिंह जी, और आप भी एक जैसे कि युवा हैं, आप भी एक युवा हैं, युवाओं का जज्बा था कि मोटरसाइकिल को 5 किलोमीटर तक इन्होंने खींचा है रस्सी के सहारे। 2000 बताया जाता है कि 2009 में जो ये सड़क है इसको मंजूरी मिल गई थी 31 किलोमीटर की, क्या 1 किलोमीटर तक की सड़क का निर्माण हुआ है अब तक? जी मैम, इसमें 2008 में इस सड़क 14-15 प्रथम थे से सड़क इसका काम पूरा हो गया था, लेकिन बीच में उसके बाद इस सड़क पर काम नहीं हो पाया और पूरा सड़क ही बाधित हो पड़ा। और बीच में पुलों का निर्माण होना था, ऐसे एक पुल तो तैयार हो गया है, दो पुल अभी तैयार नहीं हुए, ग्रामीण को पुल नहीं बन पाया है। जैसे इस सड़क अभी हम 15 किलोमीटर, 31 किलोमीटर की सड़क है, और 15 किलोमीटर हम गाड़ी में जाते हैं, बाकी और 15 किलोमीटर हम अच्छा, पंद्रह पैदल किलोमीटर तक चलते की जो हैं। सड़क है क्या वो ये लगभग पक्की मुझे अच्छी पाँच बनी पाँच हुई सौ है? कम जी मैम, ये तो अभी अभी उस पर सेकंड फेज का काम चल रहा है। 15 किलोमीटर पक्की हो चुकी है, और 15-16 किलोमीटर सड़क बहुत कच्ची है, ठीक है। जिससे कान 16 किलोमीटर सिर्फ सिंह, ये गाड़ी बताइए कि आपका जो आगे नहीं जा गांव है, पाए। आपका जो गांव है, जो ग्रामीण है, क्या वो इस सरकार से खुश हैं? नहीं मैम, हम तो इस गांव और ग्रामीण से, मैंने बहुत बार पूछा है, लेकिन ग्रामीण बहुत शासन प्रशासन बहुत नाराजगी है, क्योंकि हम इस क्षेत्र के बारे में, ये क्षेत्र के सभी नौजवानों के एक ही शब्द है कि हमारी सड़क कब बनेगी, जब हमारी सड़क बनेगी। 2-3 साल पहले से लगे हुए हैं, लेकिन एक जुबान पर एक ही शब्द, लड़कों का एक ही जुबान पर एक ही शब्द है कि हमारे सड़क कब। हम नेताओं से भी एक जो गुजारिश करते महेंद्र भट्ट हैं, है, कान सिंह जो महेंद्र लगभग भट्ट है, विधायक बताए जाते हैं यहाँ के, उनका क्या कहना है? क्या वो नहीं आते गांव का हाल चाल देखने के लिए, या सिर्फ अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में ही घूमते रहते हैं? जी मैम, एक बार फर्स्ट में चुनाव जीतने के बाद उन्होंने कहा हम इस सड़क में, इस आने में दो भारत अभी जाएंगे हम, जब हम सड़क सड़क भी हमारी गाड़ी जाएगी। लेकिन उनका जनता तो अपनी सकल दिखाने का परेशानी में है, जनता अपनी आवाज उठाने पर प्रतिनिधि को अपनी आवाज उठाते वो उठाएंगे, इतने बहुत मुश्किल में है वो ग्रामीण। बिल्कुल कान सिंह, जो मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर उन्हें स्कूल जाना है, क्या गांव में कोई स्कूल है, कोई इंटर कॉलेज है, कोई हाई स्कूल है, अगर वो दूर है तो उन्हें जाना होता है, तो किस तरह की समस्याएं देखते हैं? जी मैम, इंटरमीडिएट कॉलेज ईरानी में है, पाना और ईरानी की दूरी 8 किलोमीटर है, जंगल का रास्ता है, बहुत कठिन है और बालू का डर रहता है, और बीच में गाड़े वगैरह भी है, और बरसात में बहुत समस्या उन बच्चों, स्कूली बच्चों को होता है, और बहुत कठिन है, और बालू का अधिकतर जंगल का रास्ता है, और बालू का बहुत डर रहता है। 8 किलोमीटर का पाना और ईरानी के बीच में जो फैसला है, इंटर कॉलेज 8 किलोमीटर, पाना वालों के, पाना के बच्चों को 8 किलोमीटर ईरानी जाना पड़ता है। कान सिंह, जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई गई हैं, क्या उनका लाभ आप लोगों को मिल पा रहा है? नहीं मैम, इधर योजना, यहाँ योजना ही पता नहीं चल पाता है कि कौन सी योजना योजना पता ही नहीं चल सरकार ने पाती लॉन्च कि की कौन है। सी योजना है केंद्र सरकार की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से।
यहाँ तो कुछ पता ही नहीं चल पाता है। अगर किसी ने कभी अगर प्रधान को बता दिया तो थोड़ा अपने वो अपने मनरेगा के संबंध में अपने अपने उसे प्रधान रिलेटिव संबंध बनाते हैं, लेकिन हमारे जो बड़े नेता होते हैं कुछ फर्स्ट में वोट अच्छा, मांगने आते हैं। कान सिंह ये बताइए कि महेंद्र भट्ट जो विधायक है, क्या वो इस गांव में आए हैं गांव वालों से मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए, देखने के लिए कभी? जी मैं 2018 में आए थे चुनाव जीतने के बाद, बड़े बड़े वादा भी किया था हम गाड़ी पाने ईरानी पूछेंगे, गाड़ी हम पाने ईरानी पूछेंगे, लेकिन नहीं पूछा है उन्होंने। उसके बाद जनता के बीच आए नहीं, स्वास्थ्य की सुविधा है बहुत, स्वास्थ्य के क्षेत्र है हमारा बेचारा क्षेत्र प्रदान करता है। लगभग लगभग हम आज ये वो डंडों और कुर्सियों के माध्यम से अगर कोई बीमार हो गए तो डंडों और कुर्सियों के माध्यम से। ठीक है कान सिंह जी, आप ये बताइए कि यहाँ पर आगे आपकी क्या तैयारी है, क्योंकि 2022 में चुनाव है, अब समय बहुत कम है, ऐसे में तमाम दावे तमाम वादे किए जा रहे हैं, क्या यहाँ आकर इन सड़कों का हालचाल किसने लिया है, आप लोगों का हालचाल किसने जाना है, क्या कोई दावा कोई वादा आप लोगों से किया हो, क्योंकि समय तो रैलियों का दौर चल रहा है, तमाम जो बड़े नेता हैं बड़े चेहरे हैं वो गांव-गांव जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, अपना वोट बैंक साइड करने की कोशिश कर रहे हैं। जी मैम, ऐसे तो राजनेता इस क्षेत्र में भी आए हैं जो पुराने राजनेता है, उन्होंने अपने विश्वास दिलाए है ग्रामीणों को, अब मन भी बन गया है इस पार्टी से या जो हमारी सरकार है आज की जो उत्तराखंड सरकार है उनके साथ ना रहकर हम अन्य किसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। इस क्षेत्र के युवाओं ने मन बना लिया है, क्षेत्र उन पर विश्वास, उन्होंने जिससे ग्रामीण बहुत परेशान में भी है क्योंकि इनके वादे इनके घोषणा करते हैं। कान सिंह, आपको कभी काम के सिलसिले में शहर जाना होता है तो आप कैसे जाते हैं, इन्हीं सड़कों से जो पथरीली सड़कें हैं इन्हीं से होकर गुजरते हैं? जी हम जब बाजार का कभी हमारा टर्न लग गए तो हम 5 दिन पहले तैयारी करते हैं, क्योंकि हमने कल बाजार जाना था, बहुत सोचने विषय है कि हमने सुबह 4 बजे उड़ना है, उसके बाद पैदल का रास्ता है, बहुत कठिन बहुत चढ़ाई है, प्लस में बहुत चट्टान का है, बहुत दिक्कत होती है। चलिए ठीक है कान सिंह, ये तो बात हो गई सड़कों की, और फिलहाल यहाँ पर जो पानी की व्यवस्था है, जो हर घर जल योजना थी नल से, क्या वो आप लोगों तक पहुंची है, जो बिजली व्यवस्था है क्या आप लोगों तक पहुंची हुई है वो? जी मैम, हर घर जल हर घर नल यहाँ तो लग चुका है, लेकिन हर घर हर नल में जल की दिक्कत है कि अगर एक परिवार को दिया तो दूसरे कई पानी कम मात्रा में पानी है, बड़ी दिक्कत ग्रामीण को होता है, ग्रामीण को बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि हर घर में जिस हिसाब से पानी आना था हर परिवार को पूछना था, हर घर ऐसे पानी यहाँ है नहीं, क्योंकि हर घर नल तो लग गया लेकिन पानी की बहुत किल्लत, तो पानी नहीं आता, तो फिर आप लोग कहाँ जाते हैं पानी लेने के लिए, कितना सफर तय करना पड़ता है पानी लाने के लिए? अभी हमारे पुराने घर आए हैं, हर गाँव में 3-4 हमारे पुराने घर है, जब हमारे घर में पानी नहीं आता हम धारा से पानी। ठीक है कान सिंह, यहाँ हमारे साथ कोई महिला नहीं जुड़ी हुई है, तो आप ही बता दीजिए कि गांव में महिलाओं की क्या स्थिति है, क्या उन्हें तमाम सुविधाएं मिल रही हैं? महिलाओं की सुविधा तो मैम मुझे लग रहा है यहाँ तो सबसे पहले स्वास्थ्य की दिक्कत है, स्वास्थ्य तो यहाँ बिल्कुल है, जिससे हमें बहुत महिलाओं को झेलनी पड़ती है, कुछ सुविधा है नहीं, अगर शिक्षा की अगर सुविधा 2013 और 2012 और 17 के बीच हमारी 2-3 निजमुला वैली में 2-3 हाई स्कूल इंटरमीडिएट और 2-3 हाई स्कूल भी खुली है, कांग्रेस की माने में खुली है, कांग्रेस की सरकार राज्य में महिलाओं की शिक्षा मुझे लगता है कि बहुत कठिन है, स्वास्थ्य है ही नहीं तो समाधान नहीं निकलता है, सालों साल बीत गए हैं समाधान नहीं निकला है।
जी मैम। 2022 के लिए क्या चुनावों का बहिष्कार करने की तैयारी है पाणा गांव की? लड़कों ने तो पाणा गिराने वालों ने मन बना लिया था कि हम चुनाव का बहिष्कार करना है, लेकिन तब भी लड़कों ने सोचा है कि हम किसी अन्य किसी अच्छे राजनेता किसी पार्टी को हम सब करेंगे जिससे क्षेत्र हमारा विकास करें, ऐसा मन निर्मला वैली के पाणा गिराने वाले लोग ग्रामीणों का मन बना। चलिए ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बद्रीनाथ विधानसभा और उसके ये दो गांव पाणा और राणी, जहां तक सड़कें नहीं पहुंची हैं, बिजली की व्यवस्था नहीं पहुंची है, पानी नहीं पहुंचा है, उसके बावजूद भी दावे और वादे किए जाते हैं कि हम विकास कर रहे हैं, हम विकास की धारा बहा रहे हैं। कितना विकास किया है कि अभी ग्रामीणों ने बता दिया है कि अभी भी यहाँ योजनाएं आना तो बहुत दूर की बात है, कौन कौन सी योजनाएं हैं ग्रामीणों के लिए ये भी उन्हें नहीं पता है। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना विकास गांव का हो रहा है, कितना विकास शहरों का हो रहा है। फिलहाल इस स्पेशल एडिशन में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।